So let's start the class with the statement sum, mixed statement sums. और इसमें आप मुझे बताओगे कि कौन से सम में एडिशन होनी है और कौन से सम में सब्ट्रैक्शन. और मैंने आपको दोबारा बोल रही हूँ मैं that I will write the statement on the board. There is no need for you to write the statement. ठीक है, आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और अपनी नोटबुक पे करना है. So first is number one, a shopkeeper. और अगर किसी की स्पीड बहुत फास्ट है और अगर किसी को लगता है that I can write the statement as well, तो आप लिख भी सकते हो. अगर आपको लगता है ना कि मैं मैम के साथ साथ लिख भी सकता हूं तो नो प्रॉब्लम. अ शॉपकीपर हैड 5678 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स. एक शॉपकीपर है कि उसके पास इतने बॉक्सेस हैं बिस्किट्स के एंड 2534 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स. राइट, हाउ मैनी टोटल बॉक्सेस आर देयर. वेरी सिंपल, आप ही मुझे बताओगे हाउ मैनी टोटल बॉक्सेस आर देयर में हमने क्या करना है. व्हाट वी विल डू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कि एक शॉपकीपर के पास इतने बॉक्सेस हैं बिस्किट्स के और इतने बॉक्सेस हैं चॉकलेट्स के. हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस आर देयर, एडिशन. यस, वेरी गुड, सिंपल है. टोटल पूछा है ना, तो टोटल के लिए आपने क्या यूज करना है, एडिशन. ऑल टुगेदर हो, टोटल हो, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डू एडिशन. करोगे आप खुद, सिंपल. क्या स्टेटमेंट बनेगी फर्स्ट, अब ये लिखो जो आप लिखोगे, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो वाली स्टेटमेंट लिखूंगी बोर्ड पे. व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द शॉपकीपर हैड 5768 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स. बनाओ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, जो जो मैं बोलती हूँ बस वो चैट बॉक्स में लिखो. व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चे, नंबर ऑफ बॉक्सेस. नंबर ऑफ बॉक्सेस किसके रॉन्ग है, ये फर्स्ट नहीं होगा नवल. और बोलो और क्या होगा फर्स्ट में, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स. यस, वेरी गुड कृष्णव. अ शॉपकीपर हैज बॉक्सेस ऑफ बिस्किट. यस, गुड यशराज. सुगम, बॉक्सेस ऑफ बिस्किट. गुड. नंबर ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट्स नहीं आएगा, ओनली बॉक्सेस आएगा बच्चे, क्योंकि बॉक्सेस में है बिस्किट. नंबर ऑफ बिस्किट्स बच्चे, आप अपना नेटवर्क चेक करो. फ्रॉम माई साइड देर इज नो प्रॉब्लम. आई कैन ऑल्सो सी माई बोर्ड एज वेल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स. नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब साथ साथ में लिखो अपनी नोटबुक पे, ऑफ बिस्किट्स. बिस्किट्स के कितने हमारे पास, 5678 इतने हैं. फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स. चॉकलेट्स है हमारे पास 2534. मैंने आपको एक बारी बताया था अगर आप इतना लिखते हो ना, इतना मान लो आपको एग्जाम में ये वाला सम आ गया और आपने इतना लिखा हुआ, तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क. क्योंकि हमें नहीं पता चला कि आप करने क्या वाले हो, आपको क्या लगा कि इसमें एडिशन होनी है या सब्ट्रैक्शन होनी है. लेकिन इसके बाद अगर आप ऐसे यहाँ पे प्लस साइन लगा दोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को ये पता चल गया था कि एडिशन हुई है. इससे हमें आपके कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा दैट यू नो. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगी हमारे पास, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. विधान आप लिख नहीं रहे, आराम से बैठे हो, आज क्या हो गया, मूड नहीं है आपका आज स्टडी करने का, है लिख नहीं रहे. सो वेयर इज योर पेंसिल, नोटबुक कहाँ है, शो मी. कैमरा मत ऑफ करना, पहले शो मी योर नोटबुक बच्चे. नहीं रखी नोटबुक, कहाँ है, अब लेके आए हो ना, वेरी गुड. आपको
आपको लगता है कि हम कुछ नहीं देख रहे, हमें सारे स्टूडेंट्स शो होते हैं। जल्दी से नोटबुक ओपन करो बच्चे, हैंड खोलो अपने और लिखना स्टार्ट करो क्विकली, आराम से बैठे हुए हो। जल्दी से, दिस क्लास इज फॉर यू, सब बच्चों के लिए है, आपने खुद वर्क करना है। यस यशराज, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। आगे से ऐसे कोई भी बच्चा हुआ जो आराम से बैठा हुआ या जिसकी वीडियो ऑफ है, जो काम नहीं कर रहे, चाहे आप अटेंडेंस फॉर्म में अपनी अटेंडेंस लगा दो बट मैं एब्सेंट लगा दूंगी। ये नहीं कि आपने वहां पे अपनी प्रेजेंट लगा दी बट मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज नॉट गोना हैपन। ठीक है, प्रेजेंस का मतलब दैट यू आर डूइंग योर वर्क, सो दिस इज योर प्रेजेंस, नॉट जस्ट मार्किंग द अटेंडेंस इज योर प्रेजेंस। ओके, किसी का आंसर है 7212, कृषक का आंसर है 8212, तो किसका राइट है? लक्ष का भी 8000, हितेश का भी 7000। ओके, मिक्स आंसर आ रहे हैं, एक दूसरे की या तो कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 8312, अब डिफरेंट हो गया, नो प्रॉब्लम, जितने सारे डिफरेंट आंसर उतना ही हमें ज्यादा मौका मिलेगा देखने का। सो विच वन इज राइट आर ऑफ 8212? जस्ट नूर। सो 8 + 4 = 12, 2 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11, 1 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12, 2 यहाँ पे, 1 अगेन कैरी, 5 + 2 = 7 + 1 = 8। सो दिस इज द राइट आंसर एंड कंप्लीट आंसर विल बी 8212 बॉक्सेस। And may don't forget to write boxes. Yashraj, your sum is wrong, bache. Check it. Tanisha, wrong answer. Check it. 8212 is right. Got it? Yes. 8212 boxes. Ye hai right hamara. Ab main dekhti hu ID pe Sonia aur hi bache, your camera is off. Bar bar bol rahi hu main. अगर मैं आपको नहीं देखूंगी सो यू आर एब्सेंट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय साइड, कि आप मेरे लिए प्रेजेंट नहीं हो। यस प्रतीक्षा, गुड प्रतीक्षा, आंसर नहीं लिखा आपने, दिख रहा है मुझे यहां से, सिर्फ आपने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं बट यू हैव नॉट रिटन द आंसर। वैसे भी अब तक जितना टाइम है, अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते थे, मैंने आपको बोला अगर आपकी स्पीड फास्ट है या कोई बिग भी है वो भी आपके लिए लिख सकता है स्टेटमेंट, बट द सम यू विल डू बाय योरसेल्फ। यस अनन्या, आई हैव सीन गुड, एवरीवन क्विकली डू इट। अब विधान आपका ये सम रह जाना है ना, अब लिखना शुरू किया तो अब जब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी तो करना स्टार्ट कर देना साथ में। यस प्रतीक्षा, गुड, यू हैव रिटन आंसर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नैतिक ज्योति, गुड, अच्छे से बैठे हो, बैठने का वे भी होता है जब हम स्टडी करते हैं। तनव, आईडी विद तेज प्रताप सिंह, बच्चे हो गया आपका। आरव, अगेन रॉन्ग आंसर लिखा है आपने, आरव गुप्ता। कियान, डन, नो, करो फिर क्विकली। गुरसिमर, डन, गुरसिमर अपनी नेक खिलाओ, यस और नो। डन, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम। बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, पहले ये कर लें। डन, वेरी गुड, जो डन लिख रहे हैं, गुड, जस्ट वेट फॉर 1 or 2 मिनट मोर, बाकी बच्चे भी कर लें, फिर हम नेक्स्ट सम पे चलते। यस नवजीत, आई हैव सीन, आईडी विद वास्तु बनोर, निन्नी आ गई आपको, यू आर योनिंग है ना। सीरत कर रही है अभी, गुरसीरत, सुखमन ने कर लिया, गुड, गुरवीर ने, डन, थम्स अप, वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू रेज दिस, ठीक है। सेकेंड सम की स्टेटमेंट है, सेकेंड
cook had, लिख रही हूं साथ में सम सेकेंड, अ कुक हैड 3,452 potatoes in a sack. In a sack, he used 2,345 potatoes. How many potatoes are left in the sack? पहले मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, what does the sack mean? Sack means क्या होता है बच्चे? सिंपल सा वर्ड है, अगर आपने सुना हो. सैक मीन्स क्या होता है? कि एक कुक है, कुक मीन्स खाना बनाने वाला, उसके पास, ये क्लियर नहीं दिख रहा, 3,452 बैग जस्ट नो, यस वेरी गुड, बैग बिग बैग, जैसे हम बोरी नहीं बोलते जिसमें आलू प्याज भर के आते हैं, है ना, उसे बोलते हैं हम सैक. यस वेरी गुड जसनूर. तो एक कुक है, उसके पास 3,452 पोटैटोज हैं, आलू हैं, एक सैक में, एक बिग बोरे में. ही यूज्ड, इतने सारे पोटैटोज उसने यूज कर लिए. हाउ मैनी पोटैटोज आर लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड यूज हुआ बच्चे. सो व्हाट यू विल डू हियर, लेफ्ट में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन. गुरशीन वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन लेफ्ट, कि इतना था, इतना यूज हो गया, अब कितना बचा, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन. ठीक है ना, मतलब कि हमने देखना है सिंपल, कि मैंने पहले बाजार गया, मैंने 5 chocolates ली, 3 chocolates मैंने खा ली, अब मेरे पास कितनी बची? 2 chocolates. हुआ क्या? सब्ट्रैक्शन. कि कुक के पास इतने पोटैटोस थे, उसने इतने यूज कर लिए, अब लेफ्ट कितने रह गए? करोगे आप? खुद करो. स्टेटमेंट लिखो फर्स्ट. आप ये भी लिख सकते हो, अ कुक हैड पोटैटोस, या ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पोटैटोस. ठीक है, ओके. यशराज ने लिखा है, कुक हैज पोटैटोस इन अ सैक. सैक लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो, अ कुक हैड पोटैटोस, सिंपल, कि उसके पास इतने हैं. या ये लिख लो, नंबर ऑफ पोटैटोस, जो आपको इजी लगे. तो मैं लिख रही हूं नंबर ऑफ पोटैटोस. कितने नंबर ऑफ पोटैटोस हैं? 3,452. ठीक है, तो यूज उसने कितने कर दिए, फिर आप लिखोगे यूज्ड पोटैटो, या आप ये लिख लो नंबर ऑफ यूज्ड पोटैटोस. तो उसने यूज कितने कर लिए, उसका नंबर. आप ओनली ये भी लिख सकते हो यूज्ड पोटैटोस, या ये भी लिख लो नंबर ऑफ यूज्ड पोटैटोस. ठीक है, यूज पोटैटोस कितने हैं? 2,345. फिर आप लिखोगे पोटैटोज आर लेफ्ट इन द सैक का क्या बनेगा? पोटैटोज आर लेफ्ट, या लेफ्ट पोटैटोज, दोनों में से कुछ भी. ठीक है, तो आप लिख लो पोटैटोज आर लेफ्ट, या लेफ्ट पोटैटोज, तो आप माइनस करोगे, खुद करोगे, एंड लेट मी नो इट्स आंसर. ओके, आरव ने आंसर लिख दिया, विधान ने लिख दिया. विधान ने अब जल्दी कैसे किया? कोई बात नहीं, करो विधान. ओके, यस, सबका आंसर सेम आ रहा है. नवल, परिधि, अनन्या, वेरी गुड. सो आंसर, कंप्लीट आंसर तो बहुत कम लिख रहे हैं. समर ने कंप्लीट लिखा है, गुड. परीक्षा, अनन्या, परिधि, आपका इनकम्प्लीट आंसर है बच्चे. इनकम्प्लीट से आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इनकम्प्लीट से मेरा क्या मतलब है. यशराज, इनकम्प्लीट हो गया मोक्ष. लक्ष्य, रॉन्ग बच्चे, रॉन्ग आंसर. चेक इट, यस, मेन है कि पोटैटोज लेफ्ट लिखने की नीड नहीं है. आपका आंसर आया 1107, और पीछे लिखोगे आप पोटैटोज. जरूरी नहीं है कि आपने लेफ्ट वर्ड भी साथ में लिखना है. तो कैलकुलेशन देखते हैं, 2 है, 5 है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2,
है ना, तो यहाँ पे हमारा हम कैरी लेंगे, यहाँ 12 बन गया, तो यहाँ पे बन गया 4. ये तो बहुत इजी था. 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1. इतना सिंपल था, सिर्फ एक ही जगह पे कैरी की नीड हुई, बाकी तो बहुत सिंपल. यस तनीषा, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू आस्क. डन हो गया आपका, इतना कर लो. डन, वेरी गुड. जिनका हो गया है तब तक फिर मैं देखती हूँ. नोटबुक शो कर दिया करो बच्चे, जब हो जाए फिर मैं देख लेती हूँ. आईडी विद हरनीत कौर, आराम से बैठे बच्चे, हो गया आपका. शो मी. डोंट ऑफ योर वीडियो, दिस इज बैड. ऑन योर वीडियो, यस देयर इज नो नीड टू ऑफ. जब टीचर आपका नेम लेते हैं तो वीडियो ऑफ मत किया करो. यस आई कैन सी विधान, मुस्कान, प्रतीक्षा, अनन्या और आरव, बाकी कर रहे हैं. अक्षिता कर रही है अभी. डन. अनन्या को तो इतनी जल्दी है. नेक्स्ट सम मैम करते हैं. नेक्स्ट भी हो, कर लो डाउन बच्चे. पुट डाउन योर नोटबुक्स. आई हैव सीन आईडी विद हलीन मिनहास. बच्चे किससे बातें कर रहे हो कि गाना गा रहे हो? अच्छा किसी से बातें कर रहे हो, कोई साथ बैठा है, ऐसे लग रहा है कि गाना गा रहे हो. आईडी विद परम बैंस. रॉन्ग आंसर बच्चे. प्रतीक्षा, परीक्षा बाली हो गया आपका. पाविका, यस ओके. इशिका, इशिका डन. अनम्यूट नहीं होगा इशिका, नेक खिला दो अपनी, यस और नो के वे में. चलो गुड, नेक्स्ट करते हैं. अभी हम थर्ड सम. थर्ड इज देयर आर 4567 कैंडीज इन अ पैकेट. वेरी सिंपल, ऐसे कर लोगे आप तो. 398 कैंडीज आर सोल्ड, हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट अनसोल्ड. बोर्ड पे लिख रही हूं मैं बच्चे. थर्ड सम, देयर आर 4567 कैंडीज इन अ पैकेट. ठीक है, एक पैकेट में इतनी सारी कैंडीज हैं. 398 कैंडीज, हंड्रेड्स में है ये बच्चे, आर सोल्ड. हाउ मैनी कैंडीज आर लेफ्ट अनसोल्ड. अनसोल्ड का मतलब जो अभी बिकी नहीं है. ठीक है, तो इतनी सारी तो सोल्ड हो गई, सब्ट्रैक्शन करनी है. वेरी गुड, लेफ्ट वर्ड यूज हो गया है कि इतनी कैंडीज है एक पैकेट में, इतनी कैंडीज सोल्ड हो गई. सोल्ड होगी मतलब बिक गई. तो कितनी कैंडीज हैं जो अनसोल्ड हैं, जो बिकी नहीं है? करो खुद बच्चे, आप करो. इस टाइम मैं स्टेटमेंट भी नहीं लिख रही, बाद में लिखूंगी आपकी स्टेटमेंट देखने के बाद. करो, बोर्ड पे है आपके, साइड पे हूं मैं. डू इट, साथ में बच्चे चैट बॉक्स में भी लिख देना कि क्या है स्टेटमेंट, फर्स्ट क्या आएगी. चैट बॉक्स में भी लिख देना नंबर ऑफ कैंडीज इन द पैकेट. वेरी गुड ऋषभ, देयर आर कैंडीज इन द पैकेट ऑल्सो. गुड यशराज, नंबर ऑफ कैंडीज, यस. किसी भी वे में लिख सकते हो. मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ, अगर देखो मैं लिखूंगी एक वे से, वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा कि एक वे है. अगर मैं आपसे पूछूंगी तो मुझे कितने सारे वेज मिल जाएंगे, कम से कम 3-4 वेज तो मुझे मिलेंगे. सो इससे ये पता चलता है, सो वी कैन राइट इन एनी वे, बट
द स्टेटमेंट शुड बी मीनिंगफुल. यही ना हो कि अजीब सी लिखी हो कि कोई सेंस ना बनती हो. ठीक है, तो कैंडीज हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेंगी, नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, कि कितनी कैंडीज सोल्ड होगी. अब मैं लिख सकती हूँ क्योंकि अब आप कर रहे हो. तो नंबर ऑफ कैंडीज इन अ पैकेट, पैकेट में कितनी है, 4567. फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, सोल्ड कितनी हुई, 398. और आगे मैंने एक जीरो पुट कर दी. जीरो क्यों पुट की, मैंने आपको बताया था जब स्पेस खाली हो हमारे पास तो वहां पे जीरो पुट कर दो, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन अच्छी और इजी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो 100 स्पेस पे है ना थ्री. तो फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ कैंडीज अनसोल्ड, लेफ्ट अनसोल्ड लिख लो, नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट अनसोल्ड, कि कितनी कैंडीज हैं जो अभी तक नहीं बिकी है, लेफ्ट अनसोल्ड. ओके, आरफ का आंसर आया 4169, सोनिया और जिनिशा का आया 4178, प्रतीक्षा का भी आरफ जैसा सेम है. देखते हैं किसका राइट है. एंजल का भी सेम है, अनन्या का डिफरेंट आ गया. थ्री आंसर्स मुझे मिले हैं, तनीशा का फिर डिफरेंट है. आई थिंक 4169 इज द राइट आंसर. तनीशा, जिनिशा आपका रॉन्ग है, गुरवीर आपका रॉन्ग है, परीक्षा राइट है, कृष्ण राइट, क्यान राइट. 4169 आएगा बच्चे, ये राइट है, 4169. यस, तो करते हैं. 7 - 8 नहीं हो सकता, यहाँ आ गया 17, यहाँ आ गया 5. 17 - 8 is 9. 5 का फिर 15, यहाँ 4. ओके, तो 15 - 9 is 6. 4 - 3 is 1. 4 - 0 is 4. आंसर इज 4169 कैंडीज. आंसर इज 4169 कैंडीज. लक्ष्य ने कुछ बोलना है, हैंड रेज किया हुआ है. इशिका हैज डन गुड, गेट इट कंप्लीट इन योर नोटबुक्स बच्चे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सम्स थे, बुक पे नहीं है, अपनी तरफ से बनाए हैं. नोटबुक पे अच्छे से किया होगा आपने तो पता चलेगा दैट यू हैव डन द मिक्स स्टेटमेंट सम्स. Yes, now show me your notebooks. प्रणव जो तो भी कर रहा है, गुरवीर का हो गया. Yes, बच्चे, I can see. जिनका हो गया बच्चे, लिंक आया है चैट बॉक्स में, फिल योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस क्विकली. डन बच्चे, हैव यू मार्क योर अटेंडेंस. पर मैंने आपको बोला सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने से कुछ नहीं होना, वो तो जस्ट एक प्रूफ है, लेकिन एक्चुअली में वो स्टूडेंट मेरे लिए प्रेजेंट है दैट जो वर्क करते हैं क्लास में, अच्छे से बैठते हैं, मुझे चैट बॉक्स में रिवर्ट करते हैं, जो काम मांगो वो भेजते हैं, ये सारी चीजें. डन, सो 3 सम्स आर डन फॉर टुडे.
So sums are done. So we have done statement sums, addition statement sums. Again, ma'am, please paste the attendance link. So statement sums bhi ho gaye, mixed wale bhi ho gaye hamare, theek hai? But still we have time. To is time mein ab hum kya kare? Ab hum karenge thodi si table dowsing. Kar le thodi si. Ek bari pehle bhi ki thi humne. Ab jaldi se Ananya ne muh kyun banaya? What happened, Ananya? So, जल्दी से जो मैं पूछूंगी या जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी, so you have to answer that. I do everything, ma'am. Very good. The students जो करते हैं everything, everything मतलब जो जो भी मैंने options दी आपको कि वो मेरे लिए present है. Very good. तो जल्दी से सिर्फ एक एक के लिए आपको पता है ना हम 5-5 seconds ही मिलेंगे आपको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. एट टाइम्स अप. क्विकली तरन मैम प्लीज पेस्ट द लिंक अगेन. 72 जितने ज्यादा आंसर्स आ गए वेरी गुड, लेकिन 5 सेकंड्स में. ओके 1 2 3 4 5 स्टॉप. अब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, 72 तक नहीं आना चाहिए. वेट बच्चे, डन. ठीक है, जब मैं 5 तक काउंटिंग कर लू ना तब आप वहां पे स्टॉप कर जाओ. अब 9 × (-) = 81. ओके 1 2 3 4 5. यशराज, प्रतीक्षा, सीरत, गुशीन ये थे. जल्दी से, वेरी गुड. कि अब यहां पे क्या आना था? 9 × 81 कि मतलब 9 × 81 होते हैं. यस, वेरी गुड. अब स्टॉप. अब अनन्या ने पता क्या लिखा है? अनन्या ने लिखा है पता नहीं कितने टाइम्स 9 लिखा है. इट मींस यहाँ पे 9 नहीं आना, यहाँ पे 9 9 9 9 आना. अनन्या दिस इज रॉन्ग. 1 × 9 और इतने सारे 9 लिखने का मतलब डिफरेंट है. नमिश आपका रॉन्ग है, आपने 27 लिखा है. वाई आरव रॉन्ग, 18 लिखा है. इतना ईजी बच्चों ने तो पहले लिख दिया दैट 9 9 = 81. So why you are writing 18 × 27? Okay, chalo next. 4 − 3 = 12. Ye mental math ke way mein hai. Okay, 1 2 3 4 5. Harsimran, Gurshin is right. Sabse pehle Yashraj ka, I think wo wrong hai. 2 3 jo bhi likh rahe hain wo wrong hai. Yashraj wrong. सुखमन रॉन्ग. 18 कृषव लिखा है रॉन्ग. तो मैंने लिखा जो मल्टीप्लाई डाल रहे हैं दैट इज राइट. कि 4 − 3 = 12. कि 4 को 3 के साथ क्या करें कि 12 आ जाए. क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली. 4 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना? ऐसे सोचना है आपने कि किसको किसके साथ क्या करना है हमने. चलो नेक्स्ट. वेट, ओके 1 2 3 4 5. अनन्या, ज्ञान, गुशीन, तनीषा, विधान, यस, आराध्या, 5. ये तो सिंपल था कि 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 50. डन. चलो नाउ स्टॉप राइटिंग. एक लास्ट करते हैं, बस हमारे पास 2 मिनट ही रह गए हैं. तो 100 − 10 = 10. ये थोड़ी सी डिफिकल्ट डाली है, देखते हैं इसमें क्या आता है. थोड़ी सी ऐसे कि आता है कि नहीं. रॉन्ग 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 एवरीवन. नहीं, नो नो. ऐसे सिर्फ मेंटल मैथ्स के वे में डाला बच्चे. सोचो, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं आना. मल्टीप्लाई से और सोचो क्या होता है. डिवाइड, सुखमन ज्योत ने लिखा है. नमिश ने डिवाइड, यस अब बोल रहे हैं. सो सुखमन ज्योत, नमिश ने पहले डाला, वेरी गुड. डिवाइड कि जब हम 10 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए, बट नो प्रॉब्लम. मेंटल मैथ्स है, किसी भी वे में हमें सोचना आना चाहिए. ठीक है, कि 100 को 10 के साथ हमने डिवाइड किया
तो हमारे पास 10 आया, हम डिवाइड करके देख सकते थे कि मतलब इसमें बीच में क्या आना था, डिवाइड। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड और आपको समझ भी आया ये सारा कॉन्सेप्ट। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, स्टेटमेंट सम्स आर डन, थोड़े से मेंटल मैथ्स इज डन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अंटिल देन हैव अ नाइस डे। अगर किसी को एनी डाउट, अगर कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन द चैट बॉक्स।